What's up guys? आज हम देखने वाले हैं भारतीय प्रधानमंत्री मोदी के एक कदम से बर्बाद हो जाएगा मालदीव्स और सिंगापुर। वीडियो होगी इंटरेस्टिंग, देखते हैं पूरी वीडियो। शायद से वाली कि मोदी लक्षद्वीप गए ना तो मालदीव वाले घबरा गए, बहुत चौड़े हो रहे थे ना कि आर्मी को हटा दो, कर दो वो कर दो। रुको जरा, सबर करो। 1 2 3 गो। सबसे पहले तो मैं नरेंद्र मोदी को भाई सैल्यूट करता हूँ। क्या बात है, उसकी इतनी अच्छी आदत के लिए और जो उसने ये काम किया है, ये कभी भी मैं एक्सपेक्ट नहीं करता था। में आपके जो फेवरेट लीडर है वो पानी में और सर्दी में पानी में तैरते नजर आ रहे हैं। जी मैं सबसे पहले बताना चाहूंगा, देखिए इससे पहले ना फिटनेस में हम लोग इमरान खान साहब को बड़ा लाइक करते होते थे, लेकिन आज मोदी जी ने सबके रिकॉर्ड तोड़ दिए। पूछे किस तरह? एक तो देखे, स्विमिंग कोई आसान चीज नहीं होती। समंदर के किनारे पर लोग नहाते नहीं थे जाके, उस मुकामी इलाके के लोग भी नहीं नहाते थे। तो मोदी साहब ने कहा कि भाई यहाँ पर तो बहुत अच्छी जगह है, यहाँ पर टूरिस्ट भी आ सकते हैं, तो लोग जाके डर के मारे नहाते नहीं है। तो मैं खुद जाता हूँ नहा के, लोगों को बताऊंगा भाई अगर मैं नहा सकता हूँ सेव है तो आप भी नहा सकते हैं। मैं वैसे ही पीएम मोदी का बहुत बड़ा फैन हूँ, बहुत बड़े उनकी स्ट्रगल को देख के। एक चाय वाले से एक प्राइम मिनिस्टर बनना, इतनी बड़ी स्ट्रगल मुझे नहीं लगता कि कोई इंसान कर सकता है। ये वो वाहिद बंदा पीएम मोदी है जिसकी इतनी बड़ी स्ट्रगल है। और दुनिया जहाँ पर जाती है सबसे ज्यादा वो इंडिया ही है। क्यों अंकल वो इस तरह क्यों कर रहे हैं? क्यों वो करते हैं ना? हर कोई अपने मुल्क पर वोट करता है, हर कोई अपने शहर के ऊपर वोट करता है। हम छूट से बहरहाल में ये देखा है, हम अपने शहर के ऊपर। जय हिंद दोस्तों। दोस्तों भारत आज के समय कितना ज्यादा शक्तिशाली देश है, इस बात का अंदाजा तो आप भारत के प्रधानमंत्री की शक्तियों से ही लगा सकते हो। और आज के समय भारत में जो भी व्यक्ति भारत का प्रधानमंत्री होता है, वो व्यक्ति इतना ज्यादा शक्तिशाली होता है कि अगर वो चाहे तो छोटे मोटे देशों को तो चुटकियों में ही बर्बाद कर सकता है। इस एज में आपके जो फेवरेट लीडर है वो पानी में और सर्दी में पानी में तैरते नजर आ रहे हैं। जी मैं सबसे पहले बताना चाहूंगा, देखिए इससे पहले ना फिटनेस में हम लोग इमरान खान साहब को बड़ा लाइक करते होते थे, क्योंकि वो स्पोर्ट्समैन है, वो वॉक बहुत करते हैं, वो अपने पेड़ के साथ पत्थर बांध के एक्सरसाइज करते हैं, तो हम बड़ा उन्हें इन चीजों में देखते थे। लेकिन आज मोदी जी ने सबके रिकॉर्ड तोड़ दिए। पूछे किस तरह? एक तो देखे, स्विमिंग कोई आसान चीज नहीं होती। जो भी स्विमर है जो स्विमिंग करते हैं, मैं उनसे पूछना चाहूंगा, वो खुद बताएंगे कि स्विमिंग के लिए बड़ा फिट होना चाहता है, सांस चाहिए आपको उसमें स्विमिंग करने के लिए। फिर मोदी जी क्या फिट नजर आ रहे हैं, स्विमिंग कॉस्ट्यूम पहना हुआ है ऑरेंज कलर का, और क्या वो मतलब अपना स्विमिंग कर रहे हैं, और उसमें मछलियों में अगर आप लोगों ने नहीं देखा तो आप प्लीज लाजमी ये देखें कि किस तरह वो स्विमिंग कर रहे हैं, मछलियां मछलियों में तैर रहे हैं जा रहे हैं। और सबसे बड़ी जो मुझे इंपॉर्टेंट बात इसके बीच में लगी है, देखें वो जगह ऐसी है, इतनी खूबसूरत जगह है कि इससे पहले मैंने ऐसी जगह मतलब इंडिया में मैं सोच भी नहीं सकता था कि इतनी खूबसूरत जगह हो सकती है। देखें अगर मोदी जी उधर गए, उस मुल्क के प्राइम मिनिस्टर हैं, अब वो जगह प्रमोट होगी, इंटरनेशनल लेवल एडवर्टाइजिंग होगी, उधर टूरिस्ट आएंगे और उसका कितना फायदा होगा इंडिया को, इंडिया की इकोनॉमी को, इंडिया की गवर्नमेंट को। तो ये बहुत अच्छे कदम उठाते हैं मोदी जी। दरअसल हाल ही में जब प्रधानमंत्री मोदी ने अपने लक्षद्वीप दौरे की फोटोज और वीडियो इंटरनेट पर साझा की, जिन्हें लोगों ने बहुत ही ज्यादा पसंद किया, तो इन फोटोज और वीडियोज को लेकर लोगों की यहाँ पर अलग अलग प्रतिक्रिया सामने निकल कर आने लगी। कुछ लोगों का इन फोटोज और वीडियोज को देखने के बाद यहाँ पर कहना था कि प्रधानमंत्री मोदी को एडवेंचर बहुत ही ज्यादा पसंद है और इसीलिए वो लक्षद्वीप के दौरे पर गए थे। तो वहीं पर कुछ लोग और कुछ रिसर्च एजेंसियों का यहाँ पर दावा है कि प्रधानमंत्री मोदी वहाँ पर एडवेंचर करने नहीं गए थे, बल्कि वह भारत के पर्यटन स्थल का पूरी दुनिया के सामने प्रचार करने गए थे। पूरी दुनिया यानी कि प्रधानमंत्री मोदी ने अपने सोशल मीडिया हैंडल के द्वारा लक्षद्वीप का प्रचार किया है और लक्षद्वीप की सुंदरता के बारे में पूरी दुनिया को दिखाया है। प्रधानमंत्री मोदी ने अपनी फोटो और वीडियो में ये साफ साफ दिखाया है कि वास्तव में लक्षद्वीप कितनी ज्यादा सुंदर जगह है। और जो भारतीय मालदीप या फिर किसी अन्य आइलैंड पर छुट्टियां मनाने के लिए या फिर घूमने फिरने के लिए जाते हैं, तो उनको सबसे पहले वहां पर ना जाकर लक्षद्वीप जाना चाहिए, क्योंकि लक्षद्वीप एक बहुत ही ज्यादा सुंदर जगह है और वहां पर जाकर आपको मजा भी आएगा और साथ ही साथ इससे भारत का विकास होगा और भारत का पैसा भारत में ही रहेगा। प्रधानमंत्री मोदी ने केवल भारत के लोगों को ही नहीं बल्कि विदेशी जो पर्यटक हैं उनको भी अपने सोशल मीडिया हैंडल के थ्रू लक्षद्वीप की ओर आकर्षित करने का प्रयास किया है। कुछ रिसर्च एजेंसी का यहाँ पर यह भी कहना है कि प्रधानमंत्री मोदी के इस कार्य की वजह से मालदीव जैसे छोटे आइलैंड देश को एक बहुत ही बड़ा झटका लग सकता है और आगे प्रधानमंत्री मोदी लक्षद्वीप के अलावा अंडमान निकोबार जैसी जगहों पर जाकर वहाँ का भी प्रचार प्रसार कर सकते हैं। कुछ उनकी जो सी टेक्नोलॉजी है और वो जो उनकी तालीम है और जो उनका माशाल्लाह इस चीज़ पर एक फोकस है, वो काफ़ी इस चीज़ में आगे हैं, हमसे बहुत आगे हैं। हमारे जो पाकिस्तान के सिस्टम है
वो बहुत इस चीज़ पर कोई वो तवज्जो नहीं दे रहे। यहाँ के तो माशाल्लाह हमारे जो साइंस के टेक्नोलॉजी के जो इंचार्ज हैं वो भी काफ़ी पढ़े लिखे हैं, आपको पता ही है। तो अल्लाह भला करे, हमारा और उसका काफ़ी फ़र्क है, कभी भी हम वहाँ तक नहीं। हाँ, अगर नीयत हो, ईमानदारी हो, ईमानदारी को, तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक उसमें हमें मदद फरमाएगा। आ गई समंदर के किनारे पर लोग नहाते नहीं थे जाके, उस मुकामी इलाके के लोग भी नहीं नहाते थे। तो मोदी साहब ने कहा कि भाई यहाँ पर तो बहुत अच्छी जगह है, यहाँ पर टूरिस्ट भी आ सकते हैं, तो लोग जाके डर के मारे नहाते नहीं है। तो मैं खुद जाता हूँ नहा के, लोगों को बताऊंगा भाई अगर मैं नहा सकता हूँ सेव है तो आप तुम भी जा सकते हो। बताएं कि इस तरह का माइंड सेट पाकिस्तान में, इस तरह के तरक्की करवाने वाली सोच अगर हमारे पास होते तो क्या आज हम भी तरक्की ना कर गए होते? कमाल तरक्की करते, कमाल। हमारे लीडर तो माशाल्लाह कमाल लोग हैं। वो पहले अपना सोचते हैं फिर दूसरी आवाम का सोचते हैं। निनान में अंदर होते हैं और एक आप पर लगाते हैं। ये यहाँ के तो लोग वो नहीं है ना कि अल्लाह पाक इनको हिदायत अता फरमाए। हम पर लगाते होते ना आज हम कर्जे में ना डूबे होते। कमाल होते, कमाल होते। पूरी दुनिया में हमारा नाम होता है, एक इज्जत होती, एक रिस्पेक्ट होती। मैंने अरब की पूरी खलीज को देखा। अच्छा। मुझे बताइएगा, जिस तरह से आपने कहा हुक्मरान हमारे ठीक नहीं है, अगर हम दुनिया की बात करें, दुनिया को छोड़े, हम जहाँ से निकले हैं पाकिस्तान और हिंदुस्तान, वहाँ के पीएम ज़्यादा पॉलिसीज और प्लानिंग में बेहतर हैं या हमारे पीएम पॉलिसीज और प्लानिंग में ज़्यादा बेहतर हैं? बाहर के साथ बेहतर, हमारे किसी से आपसे कोई बेहतर नहीं है। दुखी क्यों अंकल? वो अपने मुल्क के साथ मुखलस है, हमारे मुल्क के साथ सिंसियर कोई नहीं है। और ये काम 76 सालों से चलता आ रहा है। बस ये 76 सालों से चलता आ रहा है, तो जहाँ आपने देख लिया खुद ही कि आज हम किधर खड़े हैं, कि हमें कोई पूछने वाला कोई नहीं है। हम कहते हैं कि हम आज भी बेहतर हैं हिंदुस्तान से, हिंदुस्तान का टक्कर मुकाबला आज भी कर सकते हैं। आपको लगता है आज दुनिया हमारे मुस्लिम कंट्रीज उनके साथ हाथ मिला चुके हैं, हम उनका मुकाबला कर सकते हैं? फिलहाल तो नहीं कर सकते। सही बात, सच्चाई सच्चाई। ईमानदार हुक्मरान होगा तो हम चलेंगे, ऐसे कुछ नहीं चल सकते। मुझे बताइएगा, हमारे हुक्मरान जब बाहर जाते हैं, बाहर का दौरा करने जाते हैं, तो हमारे पैसों पे जाते हैं, हमारे टैक्सेस पे जाते हैं, लेकिन अगर हम बात करें उनका हमें फायदा भी कुछ नहीं होता। जब वो बाहर जाते हैं तो कोई खास इतना फायदा नहीं होता, या अमदाद लेके आते हैं वो भी क्या होता है हम सबको पता है। लेकिन वहाँ के पीएम की बात करें, हिंदुस्तान के पीएम की, एक मुस्लिम कम्युनिटी बहुत ज़्यादा एक सिटी के अंदर रहती है, वहाँ पर ना टूरिज़्म बहुत कम है, लोकल लोग जाते ही नहीं है ज़्यादा। तो वहाँ पर मोदी खुद गया, जाके उसने वहां पर विजिट किया, वहां पर मूवीज बनाई, वीडियोस बनाई, लोगों को दिखाया कि भाई यहां पर बहुत खूबसूरत खूबसूरत जगह है, आप आ सकते हो, देख सकते हो। वो बंदा अपने इंडिया को इतना प्रमोट कर रहा है दुनिया में कि आज वो ब्रेक कर चुका है रिकॉर्ड, दुनिया जहां पर जाती है सबसे ज्यादा वो इंडिया ही है। वो अपने मुल्क के, अपने कंट्री के एक ऐसे आइलैंड पर गए हैं जहां पर जिनके, जिसके बारे में लोग इतना ज्यादा नहीं जानते, लेकिन वो बहुत ही खूबसूरत आइलैंड है। और उसके बाद उन्होंने ट्वीट किया, और जिसमें उन्होंने कहा कि ना सिर्फ ये कि इसकी जो सीनिक ब्यूटी है और जो मेस्मराइजिंग है, इसके अलावा ये एक ऐसी जगह है कि जहाँ पर बैठकर आपको ये रिफ्लेक्ट करने का ये मौका मिला है कि 140 जो इंडियंस हैं उनके, यानी 1.5 अरब इंडियंस जो हैं उनके लिए काम कैसे किया जा सकता है। तो अब देखिए, 140 करोड़ इंडियंस की वो बात करें वहां पर जाकर भी, ठीक है जी, और वहां पर उन्होंने कहा कि ये बैठकर पता चलता है कि कितना मुश्किल है ये सब करना। वो एक एडवेंचरर के तौर पर नजर आए, उन्होंने ये एडवेंचर किया, लेकिन इसमें ज्यादा अहम बात ये है कि वो वहां पर उन्होंने जाके हजारों करोड़ों रुपए के कोई प्रोजेक्ट्स भी जो है वो उसका अनाउंस किया है। और अब आप मुझे बताओ कि प्रधानमंत्री मोदी जो आपने यहाँ की चीजों का, आप बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं मोदी जी ने, और ये कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि उसी से रिलेटेड है। वो जो मालदीव्स का जो प्राइम मिनिस्टर आया ना, प्रेसिडेंट, उसके बाद ही उसने बहुत मतलब एक थोड़ा एरोगेंस एटीट्यूड से बात करी। तो अब इंडिया भैया वो है, झुक के रहना पड़ेगा। और अब देख लेना भाई, कोई भी जगह, कोई भी आइलैंड, आइलैंड तो आइलैंड ही होता है, सुंदर कब बनता है वो, जब वहां पे डेवलपमेंट होता है, होटल्स रिसॉर्ट्स बनते हैं। हाँ, अब लक्षद्वीप में अगर बड़ी बड़ी कंपनियां चली जाएंगी, होटल्स चले जाएंगे, वहां पर वो एस्टेब्लिश कर देंगे रिसॉर्ट्स अपने, जो फ्लोटिंग विला कर देंगे पानी के अंदर ही, वो उस तरीके से बना देंगे हाउस ऑफ कॉटेजेस, और अच्छा बना दे भाई साहब, गजब बन जाएगा। और फिर ये देखो ना कि 2-2.5 लाख रुपए फूक के जो हनीमून मनाने जाते हैं वहां पर इंडिया के लोग है, तो वो यहाँ पर 70-80 हजार में जाएंगे भाई। आदमी जिंदगी में 2 बार हनीमून मना लेगा, जाओ 2.5 लाख में मना रहा होगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि भाई देश का पैसा देश में रहेगा, और उसके बाद
जब ये बन जाए तो यहाँ पर लोग जाएंगे देखना, बॉलीवुड वाले भी यहीं पर जाएंगे, क्योंकि जैसे बॉलीवुड की पिक्चर अभी चल रही है ना, तो उनका भी बजट हिला पड़ा है, वो भी कह रहे हैं कर दो भैया इंडिया में इंतजाम, मॉल तो महंगा पड़ रहा है, और फॉरेनर्स भी आएंगे भैया, वो बहुत गजब डेवलपमेंट हो जाएगा, और होगा ये इंडिया, यार इंडिया में मौका मिल जाने, एक बार इंसान को विजन मिल जाए कि कैसे पैसा कमा सकते हैं, तो अभी, और ये तो मार्केटिंग करती मोदी जी ने उस जगह की लक्षद्वीप की बहुत गजब तरीके से। भाई आपका इस बारे में क्या कुछ कहना जरूर बताना, वीडियो कहाँ से देख रहे हो आप लोग ये भी बताने, जय हिंद जय भारत जो लिख देना, जय श्री राम, बाय बाय, टेक केयर।